दिसंबर 2019 से फास्टैग मैंडेटरी हो गया है। अब अपने व्हीकल को टोल प्लाजा से किसी भी लेन से गुजारने के लिए आपको फास्टैग की जरूरत होगी। तो वो फास्टैग क्या होता है और इसको कैसे बनाएंगे, इसका मैं कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फास्टैग को बनवाएंगे और आप अपने वाहन में इसको कैसे यूज करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि फास्टैग होता क्या है। टोल प्लाजा पे टोल परेशानियों से हल निकालने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साल 2014 में भारत में टोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू किया था जिसका नाम है फास्टैग। फास्टैग की मदद से आप टोल प्लाजा में बिना रुके अपना टोल टैक्स दे सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने व्हीकल पर एक फास्टैग लगाना होता है। फास्टैग व्हीकल के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID लगा हुआ होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास जाती है, व्हीकल के विंड स्क्रीन में लगी फास्टैग को संपर्क में आते ही फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क काट देता है और आप बिना वहाँ रुके अपने टैक्स का भुगतान कर देते हैं। फास्टैग का एक प्रीपेड अकाउंट होता है। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज करते हैं, उसी तरीका से फास्टैग को भी रिचार्ज करना होता है। इसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या किसी भी जो पेमेंट जो गेटवे जिसे रिचार्ज होता है उससे आप रिचार्ज कर सकते हैं। फास्टैग में आप कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख तक का रिचार्ज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अपने व्हीकल के लिए फास्टैग कैसे बनवाएं। फास्टैग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से बनवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक से फास्टैग ऑफलाइन में बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन फास्टैग बनवाना चाहते हैं तो बहुत सारा बैंक है जो ऑनलाइन फास्टैग बनवाने की फैसिलिटी देता है, जैसे HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद हो गया भी बैंक, इसके बाद हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बहुत सारा बैंक है जिससे आप ऑनलाइन में भी आप अपना फास्टैग बनवा सकते हैं। बात करते हैं कि अपने व्हीकल के लिए फास्टैग कैसे बनवाएं। फास्टैग बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी पेट्रोल पंप से ऑफलाइन में फास्टैग बनवा सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो बहुत सारे बैंक फास्टैग बनवाने की फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि HDFC बैंक से भी आप अपना फास्टैग बनवा सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूं, जिस बैंक पे लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आप HDFC बैंक के फास्टैग की पूरी डिटेल यहाँ से आप ले सकते हैं। फीस और चार्जेस को देखने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। यहाँ पर देख रहे हैं फीस और चार्जेस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फास्टैग के चार्जर दिए गए हुए हैं। यहाँ पर वन टाइम फीस देनी होगी जो देख रहे हैं कि 100 रुपया यह है यहाँ पे इंक्लूड किए हुआ है। और जब भी आप रिन्यूअल कराएंगे तब भी आपको 100 रुपये का फीस देनी होगी। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट देना होता है जो कि आपकी व्हीकल के हिसाब से अलग अलग होता है, जो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो के दिखला रहा है। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट भी देख सकते हैं। फास्टैग बनवाने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट है। अगर है तो सिंपली यहाँ पे यस करेंगे और यस करने के बाद यहाँ पे आप अपना देख रहे हैं कस्टमर ID जो है आपका वो डाल के यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप सेंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो SMS है आपके मोबाइल पे एक SMS आएगा और SMS डाल के आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो HDFC बैंक से आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे ले लेगा और आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आप नो चूज करेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि फास्टैग आप कौन से व्हीकल के लिए बना रहे हैं, कॉमर्शियल या पर्सनल।
जितने भी येलो कलर वाली प्लेट जो होती है वो कमर्शियल में व्हीकल में आ जाती है, जितनी व्हाइट प्लेट वाली व्हीकल होती है ये पर्सनल में व्हीकल में आ जाती है। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं पर्सनल व्हीकल। पर्सनल व्हीकल चूज करते ही यहाँ पे आप अपना पूरा पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे अपना मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ एक मोबाइल नंबर डाल देना है, एक ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल लेना है, कैलेंडर में से चूज करके जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, स्टेट आप जहाँ से भी है तो वो स्टेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, सिटी आपको यहाँ चूज करेंगे कौन से सिटी है तो सिंपली आप इसमें से सिटी चूज कर लेंगे, पिन कोड यहाँ डालेंगे, जेंडर आप यहाँ से चूज करेंगे मेल फीमेल जो भी है तो सिंपली आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है सबमिशन ऑफ सेलेक्ट लोकेशन, जो मतलब ये पूछा जा रहा है कि आप कौन से जगह पर से ये फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद सिटी यहाँ से चूज कर लेना है, इसके बाद ब्रांच आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है डिटेल वेरिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे अपना जो भी डिटेल है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, तो जो भी आप यहाँ चूज कीजिएगा। तो सिंपली यहाँ पे चलिए, जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ वोटर आईडी, तो वोटर आईडी चूज करने के बाद आपको यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर भी डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको पूरा फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करने का सिंपली हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली थैंक यू यहाँ बोल दिया है, जो भी आप अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको दे दिया गया है। यहाँ पर पीडीएफ फाइल में जो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो हिस्ट्री ईमेल है उस पर आपको एक पीडीएफ फाइल जो आपको सबमिट कर दिया भेज दिया जाएगा, जिसका देख रहे हैं कि 7 डे में आपका जब जो कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल देना है, इसको यहाँ व्हीकल टैप डाल देना है, यहाँ जो भी व्हीकल का टैप डालेगा उसी हिसाब से यहाँ पे आपका फास्टैग बनाया जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कार चूज कर लेता हूँ, अगर आप चाहे तो यहाँ पे और भी व्हीकल्स को ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करना होगा। इसे क्लिक कीजिएगा ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से ऑलरेडी आप इसको डाल सकते हैं जो भी व्हीकल है। चलिए मेरे पास एक है तो मैं इसको मैनेज कर देता हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे अपने व्हीकल के जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी ऐड करनी है, जिसके पास यहाँ पे देख रहे हैं कि दो ऑप्शन दिया गया है, और आपका जो 500 का अमाउंट भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बाद में ही भी अपलोड कर सकते हैं, या अभी अगर आप अभी तुरंत अगर इसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको जो फास्टैग बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो चलिए हम अपलोड करते हैं, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसको सिंपली आपको यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका जो फाइल है वहाँ से लेके उसमें अपलोड कर देना है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन की कॉपी, इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। चलिए यहाँ से हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करते ही आपके सामने पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी, जो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस नंबर दिया गया है, तो सभी डिटेल आप बहुत आसानी से यहाँ देखने के बाद, तो सही तरीके से देखने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ जेनरेट कन्फर्मेशन कोड पे क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा जो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपके केस में OTP नहीं आता है तो सिंपली यहाँ रिसेंड वेरिफिकेशन कोड पे दोबारा से करके आप मंगा सकते हैं। इसके बाद आप कोड डालने के बाद सबमिट कीजिएगा, तो आपके सामने पेमेंट की स्क्रीन आ जाएगी, आपको 500 रुपीज़ का जो आपको पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका जो भी एड्रेस है वो फास्टैग आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आपके जैसे ही घर पे आ जाएगा फास्टैग, तो आपको जो HDFC बैंक है आपको उसमें भी, तो आप उसको HDFC बैंक की वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालेंगे, या अपने बैंक का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद पासवर्ड डालने का कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप यहीं से भी अपने फास्टैग को रिचार्ज करेंगे, और यहाँ से ही आप अपने फास्टैग को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आप HDFC के कस्टमर है तो आपको पेमेंट करने के बाद कहीं भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप अपने HDFC बैंक के कस्टमर नहीं है तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपका और एप्लीकेशन नंबर और आपके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है सब लेके, तो आप अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, इसको ड्राइविंग लाइसेंस और RC की जो है फोटो कॉपी वो लेकर आपको तो इस ईमेल आईडी पे सेंड करने होगी, जो आपको नीचे दिखला रहा है ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करनी होगी। इसके बाद फास्टैग बाय पोस्ट
आपके घर आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। और साथ ही आप पेटीएम से भी आप फास्टैग बनवा सकते हैं, जिसके लिए आप पेटीएम को ओपन करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको अपने पेटीएम सर्च करना है फास्टैग, वहाँ से एप्लीकेशन आ जाएगा और वहाँ से जाके भी आप फास्टैग को बहुत ही आसानी से आप पेटीएम से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप HDFC के कस्टमर हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप HDFC के कस्टमर नहीं है तब आपको एक एप्लीकेशन नंबर और आपको ड्राइविंग लाइसेंस और एक RC की कॉपी इस ईमेल ID पे आपको सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाना किस तरीके से हम फास्टैग के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप पेटीएम से भी इस पे आप अपना जो फास्टैग है वो बनवा सकते हैं। सो आज आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।